हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी आलू भिंडी। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाती है और बनाने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप कोशिश करें कि इसे नॉनस्टिक पैन में बनाएं, क्योंकि उसमें ये कम से कम तेल में बनकर तैयार हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसे घर पर बनाने की एक ईजी ब्रीजी रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक पाव भिंडी, 200 ग्राम आलू, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम आलू और भिंडी को काट लेंगे। भिंडी को हम इस तरह स्लांटिंग में काटेंगे और आलू को छोटे टुकड़ों में। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर देंगे, अच्छे से चलाएंगे और उसमें डालेंगे आलू। और 2 मिनट के लिए ढक देंगे। करीब 2 मिनट के बाद इसे दोबारा सौटे करेंगे और आलू के क्रिस्प होने का वेट करेंगे। करीब 5-7 मिनट ऐसे चलाने के बाद आलू अंदर से गल चुके हैं और बाहर से क्रिस्प हो चुके हैं। अब हम इन्हें बोल में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में अब हम भिंडी ऐड करेंगे। थोड़ा मिक्स करके इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम भिंडी को भी थोड़ा मिक्स करके क्रिस्प करेंगे। भिंडी को क्रिस्प करने में करीब 5-7 मिनट लगेंगे, तब तक हम इसे बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे। इस स्टेज पर हम अपना आधा नमक ऐड कर देंगे ताकि भिंडी सारा मॉइस्चर छोड़कर क्रिस्प हो जाए। भिंडी को इस तरह पैन में फैलाकर रखें ताकि वो जल्दी क्रिस्प हो। भिंडी को इस तरह पैन में फैलाकर रखें ताकि वो जल्दी क्रिस्प हो। भिंडी क्रिस्प हो चुकी है, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर और नमक। मिक्स वेल। अब इसे 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर चलाते रहें। क्रिस्पी आलू भिंडी बनकर तैयार है। अब हम आंच बंद करेंगे और इसे एक बोल में निकालेंगे। अब आप इसके ऊपर चाट मसाला या अमचूर डालकर गर्मा गर्म सर्व करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो,
डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. थैंक यू एंड जय हिंद.